तो अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, बिग बी फार्म फुकेट। सो ये फुकेट का सबसे बड़ा बी हाइव है जो इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। सो बेसिकली इस फैक्ट्री में ये हमें ये बता रहे थे कि ये टोटली नेचुरल हनी था। यहाँ पर ये हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शहद टेस्ट करवा रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो शहद में कोई फर्क ही नहीं पता चला। सो ये चार्ट्स डिपिक्ट कर रहे हैं कि हनी कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, और ये इनकी पेट बीज। कुछ भी कहो, इस जगह का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्योंकि वो टोटली हनी बीज के साथ रिलेट कर रहा था। बहुत मजा आया, और घूमने आने जैसा है यहाँ पे, सब लोग आ सकते हो। और इनको जरूर, इनके सबकी अपनी अपनी चॉइस है, भूख चीजें बेकार भी है, जैसे कि हनी क्या है, जो चीज़ अपने वहाँ 1000 रुपये 1200-1500 में मिल जाती है, वो 2500-3000 रुपया ले रहे हैं। यानी कि समझ के अपने हिसाब से अपनी अपनी चॉइस है। तो ये हनी फार्म हमारा हो चुका है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है, अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है फोटोज वीडियोस को लेके, लेकिन काफ़ी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। मतलब फैक्ट्री में प्राइसेस कम होने चाहिए, बल्कि यहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं। बनाना चिप्स 80 भाद यानी 200 रुपए हो गए इंडिया, और हमारे वहाँ पे 50 रुपए का मिल जाता है, तो कोई क्यों ले। और छोटा सा पैकेट है, छोटा सा पैकेट, और वो देखो जेली जो रॉयल हनी से बनी है, 10-10 हज़ार की, 10-10 हज़ार की, मतलब पागल बनाने का तरीका बनाया हुआ है। पर ठीक है, इनको अपनी कॉस्टिंग निकालनी होती होगी, इसीलिए फैक्ट्रीज में लेकर जाता है, लेना नहीं चाहिए, फंस जाओ। तो हमें वाटर बॉटल मिल रही है पानी की, बहुत प्यास लग रही थी। ये पानी की बॉटल है, ये है 600 ml। ये देखो इतनी बड़ी। नेक्स्ट है ये मरमेड जेम्स। इस फैक्ट्री में भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट किसी तरह हमने थोड़े थोड़े सीन्स निकाल लिए, बट हम आपको ज़्यादा ज्वेलरी नहीं दिखा पाए। पानी भी इंक्लूडेड है, कॉफी भी है। कॉफी कब बनेगा ऐसे, ये देखो बन गया, ये देखो कब बना दिया ये ऐसे। ने परचेज कर लिया, क्या परचेज करा है, रिंग, रिंग दिखाते हैं ब्लॉग में, रिंग। ये वाला स्पॉट भी हो गया, कॉफी पी ली हमने। लास्ट स्पॉट है इस सिटी टूर का, मार्केट थाई मार्केट, आपको भी दिखाएंगे आपका मार्केट। One hour, coming back for the 7:30. तो हमारा लास्ट स्टॉप है दिस नाका मार्केट। एक घंटे का हमारा स्टॉपेज है यहाँ पर, बस देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। हाँ चलो। तो टूर इन्फॉर्मेशन वाले यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। पोटैटो होगा, फिश है, सारी फिश है, ऑल आर फिश। हाउ इज इट, वेरी गुड। दोस्तों थाईलैंड का छपरी देख लो।
इस मार्केट में फूड की इतनी वैरायटी थी कि अगर टूरिस्ट किसी भी कोने से आया हो वर्ल्ड के, वो निराश नहीं होगा। क्या आइसक्रीम, फ्रूट्स, बेकरी, क्या नहीं था, सब कुछ था यहाँ पर, और वो भी बहुत सस्ते रेट्स में। तो यहाँ पे बहुत तरह के कपड़े भी थे और एक्सेसरीज भी थी, हाउस होल्ड आइटम्स भी थी, और हमें मिल गई अपनी फेवरेट वाटरमेलन स्मूदी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 भाट में। और इसके रेट्स अदरवाइज बहुत हाई थे जिस एरिया से हम आए हैं। नाका मार्केट में रेट्स फूड के बहुत कम हैं कंपैरेटिवली। एक्सेसरीज के रेट्स बिल्कुल उतने ही थे जितना इंडिया में होते हैं, बट ये है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ से परचेज किया। सूटकेस के रेट भी उतने ही थे जितने होते हैं, बट कलर बहुत ज़्यादा थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो यार कितने गंदे गंदे हैं ये तो कभी ना लो, रख चलो, never never buy these, बहुत डर लगता है, डरावनी चीजें। ये देखो बनाना चिप्स वहाँ फैक्ट्री में 80 भाट्स का था और यहाँ पे सिर्फ 20 भाट का है, ये नहीं लेना चाहिए।
मार्केट से हाफ एन आवर लगा, सबसे पहले हमें ही ड्रॉप करा, उल्टा हो गया। हमें रूट्स पता नहीं है ना, सबसे पहले हमें पिक करा था और ड्रॉप भी हमें सबसे पहले करा। वी आर द फर्स्ट वन। अब हम होटल जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश अप हमें फूक के कल का प्लान करेंगे, मार्केट जाके थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे। हाँ, मैं अपने कंधों में सुलाया, दो मिनट गया, मैंने सच में सुलाया। अभी देखते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके मार्केट में चलते हैं। आई एम फ्रेश, कुछ खाने के लिए कितना तो खाया मैंने।